कहने के लिए हो गया एक ऐसा दिन जब उसके बाद कल मार्केट हॉलीडे स्केड्यूल्ड है, तो वीकेंड फैक्टर टाइप्स थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है। ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बीच में कल हम लोग एक छुट्टी पे जाने वाले, बकरीद की मार्केट हॉलीडे, हम सब की तरफ से एडवांस में आप लोग को ईद मुबारक। अब दिक्कत मैंने कहा अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट क्विकली दिखा देता हूं। यूएस में आपको याद होगा मंडे को फ्राइडे को मैंने प्रेशर की बात करी थी, फ्राइडे को था यूएस में एक चौथाई 3/4% से 1% का दबाव, उसके ऊपर कल 1-2% की और कमजोरी, डाव 750-750 अंक नीचे, अक्टूबर के बाद सिंगल डे में पॉइंट वाइज इतना बड़ा फॉल नहीं आया था, और एक बॉन्ड यील्ड हो सके तो दिखाइएगा 1.2-1.21 के जोन्स पे गिरती हुई, वो सब कुछ हाईलाइट कर रहा है किस तरह से ग्रोथ के कंसर्न्स वापस लौट रहे हैं। अब हो सकता है इस समय एक बहाना हो गया अच्छे अपमूव्स रिकॉर्ड हाईस पे प्रॉफिट टेकिंग का, तो ग्रोथ के कंसर्न्स क्यों आ गए अचानक, ग्रोथ के कंसर्न इसलिए आ गए क्योंकि ग्लोबली कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब उसमें यूएस हो, यूके हो, एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के तमाम इकोनॉमीज हो, कंट्रीज हो, हर जगह हम देख रहे हैं केसेस वापस बढ़ रहे हैं, तो उस बीच ग्रोथ के कंसर्न्स और एक प्रॉफिट टेकिंग आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आई। पर अच्छी बात यह है कि सुबह एशिया लोअर लेवल से रिकवर कर रहा था और एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के प्रेशर के बाद, रात भर की हमारी परेशानी के बाद दिखा रहा है कि हम तो 30 पॉइंट ही नीचे खुलेंगे, तो ये अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट है, मिक्स्ड है। अभी एसजीएक्स निफ्टी हमारा बाजार खुलने के बाद इवेंचुअली यूएस की तरफ पे जाने वाला है या हम वाकई रेजिलिएंट रहने वाले हैं, ये बताएंगे आपको पिच का मुआयना करके नीरज जी। नीरज जी, वो पिच पे आपने समय पे कवर डाल दिया था ना, बारिश का पानी ज्यादा तो नहीं आया ना अमेरिका वाला? नहीं, ज़्यादा नहीं आया, बल्कि जो बरसना था पानी वो यहाँ बरस चुका था सेकेंड हाफ में, अगर आप देखें, और वैसा ही पानी फिर अमेरिका की तरफ बहता हुआ गया। हाँ। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी जो रिकवरी देखने को मिल रही है उससे एक उम्मीद बनती है, लेकिन कुछ सेटअप पे जरूर ध्यान देना चाहिए आपको। बॉन्ड यील्ड जिस तरह से 1.2 तक पहुँच रही है, क्रूड में जो 6% का स्लिप है, और मार्केट में ट्रेवल और टूरिज्म एनर्जी शेयरों में जो बिकवाली है वो सीधे सीधे कोरिलेट करती है कि जो नया वेरिएंट है उसके स्प्रेड की वजह से दिक्कत हो रही बाजार को, लोगों को चिंताएं हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सावधानी भरा ट्रेड होना चाहिए और मिक्स ट्रेड आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्प्रिंग बैक होता है वो ट्रैप भी हो जाता है कि आप गए और आपको लगे सब कुछ ठीक है तो वहाँ पर हो जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट को थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी उस वेरिएंट की इतनी बड़ी चिंता नहीं है जितनी ग्लोबली, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमको भी ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़े, और मार्केट हमारा ओवर हीटेड ऑलरेडी है, तो इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि और सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2200 करोड़ की FII जो कल बेच के गए हैं वो एक चिंता की बात तो है। तो मुझे लगता है कि बहुत एक सावधानी भरा ट्रेड आज रखना चाहिए, इसीलिए दोनों साइड के आप ट्रेड रखिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, बाई या शॉर्ट जो भी आपको करना है। ठीक है, ये अमेरिका वाले ना ये क्रिकेट तो खेलते नहीं है, बेसबॉल खेलते हैं, तो इनको पिच सुखाने का आइडिया है नहीं, और ये क्रिकेट का मुकाबला है तो ठीक है। अच्छा, मैंने मिक्स टीम कल मैंने वो अंडरटोन रख दिया था बुलिश और बियरिश एस्पेक्ट का टीम में, वही सिमिलरली आज भी कंटिन्यू करूंगा, अनड्यू एक तरफ का मोमेंटम चेज नहीं करूंगा। शुरुआत अच्छी करता हूं, मंगलवार का दिन है, खरीदारी करने के कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, बाद में वो सेल कॉल्स आपको आप मेरी टीम में नजर आएंगे। तो पहला तो कल मदद करी थी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस में सीमेंट ने, कल मैंने छोटी सीमेंट कंपनीज ली थी, उन्होंने गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। सीमेंट एक वाकई बहुत स्वीट स्पॉट में है, जब मार्केट से 170 अंक निफ्टी गिर के बंद होता है, सीमेंट ईयर हाईज, रिकॉर्ड हाईज, हरे निशान में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ है इस पॉकेट में, इस पॉकेट में रहना समझदारी है। तो पहला तो वो दिग्गज ACC जिसके नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए, और ये जब बाजार पिट रहा था ACC मेरे ख्याल से 1% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, और नंबर्स उम्मीद से बेहतर, चाहे आय का हो, इबीट 730 करोड़ रुपए का इबीटा हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे, 870 करोड़ का आया, 150 करोड़ का हमारी उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस, इस तरह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है, वॉल्यूम्स बेहतर, रियलाइजेशंस उम्मीद से बेहतर, और ये कंपनी सब की सब बहुत स्मार्टली कॉस्ट एफिशिएंसी इस पे फोकस कर रही है, इससे भी ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ, रिकॉर्ड हाईज कर जड़ दिए थे स्टॉक ने, फिर भी मेरा मानना है इन्हीं स्वीट स्पॉट में रहने का। तो ACC पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने के मौके,
होपफुली सीमेंट आज भी स्वीट स्पॉट में रह सकता है। फंडामेंटली लोगों को सरप्राइज कर रहा है इस तरह का मोमेंटम, एसीसी का चार्ट उठा के देखिएगा, पर वो नंबर्स धीरे धीरे करके डिलीवर कर रहे हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज, क्योंकि सीमेंट में कल मैंने जो स्टॉक्स लिए थे, अंजनी, पोर्टलैंड, मंगलम सीमेंट, ये सब वो थे जहां पे वैल्यूएशंस के कंफर्ट थे, इसलिए आपने आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा। तो एनसीएल इंडस्ट्रीज भी उसी कड़ी का, जिसका नागार्जुना सीमेंट पहले नाम भी था और उसी नाम से सीमेंट साउथ इंडिया में बेचने का काम करती है, वैल्यूएशन कंफर्ट के गेम में तो सबसे बेहतर पॉइज्ड है। अच्छा, आप मूव ऑलरेडी चार्ट में आ चुका होगा, लेकिन 32-33 रुपए का FY21 जो अभी खत्म करा उसका ईपीएस है, उस लिहाज से तो केवल 8 के पी मल्टीपल पे है, जो कल स्टॉक मेंशन कर रहा था उससे ज्यादा कंफर्ट वैल्यूएशन पे है। वो लगता है इस स्टॉक को भी आप रेडार रखिए। चलिए खरीदारी पे फोकस और क्रूड का फायदा उठाना चाहिए। तो क्रूड का फायदा कौन कौन उठा सकता है? दो तरह से, एक तो जो क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं और एक ये जो डायरेक्ट क्रूड की डीलिंग करती हैं। ओएनजीसी के लिए बुरी खबर है, 70 के नीचे आना वहाँ पे दिक्कत कर सकता है, लेकिन हमारे टीम में शालीमार पेंट्स और बर्जर पेंट्स हैं।